हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हो RSJ स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रो कबड्डी का, जो फर्स्ट मैच होने वाला है कल। तो मैच है दोस्तों TET वर्सेस VEN। तो ये मैच 8 बजे शुरू होगा। तो इस मैच की दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, कौन से प्लेयर हैं जो आपकी टीम में होने चाहिए SL में, और कौन से प्लेयर हैं जो आप GL में ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। तो आप इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपकी जीत पक्की होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है। उसके बाद दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों इस ऐप पे दोस्तों आपको आईफोन जीतने का मौका मिल रहा है। जो भी हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 50 मेम्बर को भी मिलेगा iPhone 16। तो ये ऐसा मौका दोस्तों पहली बार मिल रहा है कि आईफोन जीतने का। तो जल्दी से जाके सबसे पहले इस ऐप को साइनअप करो। तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे 1.4K सब्सक्राइब हैं यहाँ पे। और पिछले मैच की दोस्तों पिछला जो सीज़न हुआ था सीज़न नंबर 10, तो आप देख सकते हो जहाँ पे GL भी विन कराया था कबड्डी के मैच में। आप देख सकते हो विजन लैंड पर रैंक फर्स्ट आया था। तो आप लोग भी विजन लैंड पर खेल के बहुत सारा पैसा विन कर सकते हैं। तो साइनअप के लिए लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। रेफर कोड आपको ARS यूज़ करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकती हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन से प्लेयर हैं जो आपकी टीम में होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों टीमों का जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है जहाँ पे। तो दोस्तों ये है दोनों टीमों का हेड टू हेड का जहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2022 22 22 23 और ये भी रिकॉर्ड है जहाँ पे जो दिख रहा है। तो TET की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बंगलुरु टीम ने 42 जहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच ही बंगलुरु टीम ने जीता था। तो ये वाला मैच ही बंगलुरु टीम ने ये वाला भी। तो दोस्तों आप देख सकते हो जहाँ पे बंगलुरु की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेड टू हेड में कोई मैच इस टीम से नहीं हारी है, तो इसका मतलब आपको जहाँ पे दिख चुका होगा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। तो बंगलुरु ही ये मैच टीम जीतने वाली है। और जहाँ पे दोस्तों TET टीम की बात की जाए तो इस टीम ने किया क्या, जो मैच हुआ ये एक मैच जहाँ देख सकते हो 45-45 से मैच टाई हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जयपुर के साथ मैच हुआ, वो भी मैच हारा था लॉस। आप देख सकते हो ये टीम कमज़ोर टीम है, बैक टू बैक लॉस करके आ रही है। और बंगलोर टीम की बात करें तो इस टीम ने लास्ट 5 मैच में 2 मैच विन किए हैं, 3 मैच लॉस किए हैं। तो वैसे ही दोस्तों बंगलोर टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है, बढ़िया रिकॉर्ड है टीम का। तो मेरे को पूरी उम्मीद है दोस्तों बंगलोर टीम ही पहला मैच विन करने वाली है। तो चलिए दोस्तों जो मैंने टीम आपके लिए बना रखी है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाकी इस मैच का टीम आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि पिछले मैच में जो लास्ट मैच हुआ था TET टीम का, तो इस टीम ने किया क्या, किसके ज़्यादा पॉइंट है जहाँ पे, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जहाँ पर TEL टीम की बात करें तो जहाँ पर दोस्तों इस टीम में थे पवन सिंह आप देख सकते हो, और इस टीम ने 12 आप देख सकते हो जहाँ पे जो पॉइंट है, जहाँ पे टोटल सब प्लेयर के जहाँ पे आपको पॉइंट दिख जाएंगे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो 6 प्लेयर का जो जहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, तो इन रिकॉर्ड को आप सेव कर सकते हो। बाकी लाइनअप आने जैसे कल लाइनअप आएगी उस हिसाब से दोस्तों आप टीम बना सकते हो। तो जहाँ पे दोस्तों बात करें हेड टू हेड में किस टीम ने ज़्यादा पॉइंट किए हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हो पवन ने बढ़िया खेला जहाँ पे, और जहाँ पे दोस्तों पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके हैं जहाँ पे दूसरी टीम के देखते हैं हेड टू हेड में, तो जहाँ पे दोस्तों भारत जो हैं ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं मैच में। तो आप देख सकते हो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। पर तो दोस्तों आप देख सकते हो दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा आप देख सकते हो, इनको आप सेव कर सकते हो। ये काम आपको जैसे लाइनअप आएगी वहाँ पे काम आएंगे। तो पवन का दोस्तों बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, बाकी प्रदीप नरवाल ये भी अच्छा कर सकते हैं। तो कैप्टन BC के लिए प्रदीप नरवाल और पवन दोनों बढ़िया चॉइस आपके लिए रह सकती है।
तो चलिए दोस्तों, जो मैंने आपके लिए टीम बना रखी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जो मैंने टीम बना रखी है, अपनी टीमें लिए हैं कृष्णा, और कृष्णा को लिया जहाँ पे, सौरभ को लिया जहाँ पे, एस नरवाल को लिया, बी मलिक को लिया, और जहाँ पे पवन और प्रदीप नरवाल ए पवार को लिया। तो ये मेरा टीम है हेड टू हेड। इस टीम से आप हेड टू हेड 2 मेंबर 3 मेंबर और 10 मेंबर लगा सकते हो। बाकी दोस्तों फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉली की टीम, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।